गांधी भवन के ऊपर हम लोगों ने ये धरना इसके लिए दिया है कि यहाँ पर रेवंत रेड्डी जी ने उनके नेतृत्व में मुसलमानों के साथ गलत कर दिया और नाइंसाफी की। इसके लिए हम लोगों ने यह धरना सुबह 11 बजे से स्टार्ट करें और ये धरना जब तक चलता रहेगा जब तक रेवंत रेड्डी जी लिस्टा नहीं बदलाएंगे। हमारा डिमांड है कि पूरे माइनॉरिटी जोन के अंदर 14 सीटा मुसलमानों को होना चाहिए और हैदराबाद पार्लियामेंट एक माइनॉरिटी एरिया है और वहां पर जो है वोट परसेंटेज अगर हम बात करेंगे तो वहां पर गोशा महल के अंदर 1,20,000 वोट मुसलमानों के और वहां से बहादुरपुरा चले जाओ आप वहां पे जो है 3 लाख वोटर आईडी है और 3,10,000 की टोटल वोट है उसके अंदर जो है 2,80,000 मुसलमान वोट है यानी कि 90% जो है माइनॉरिटी वोट है। और वहां से चंद्रन गुट्टा हम चले जाओ चंद्रन गुट्टे के अंदर कितना वोट बैंक है 85% मुस्लिम वोट है और वहां से अगर हम मलकपेट आ गए वहां पे 60% वोट बैंक है। चारमीनार अगर हम आ गए तो चारमीनार के अंदर जो है 70% वोट मुसलमानों का है और वहां से मलकपेट अगर हम चले गए या याकूबपुरा चले गए याकूबपुरे में 70% वोट मुसलमानों का है। तो वहां पर की पार्टी कौन है MIM पार्टी है और MIM पार्टी करती क्या है पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के कांग्रेस को बदनाम करती है। उससे लड़ने वाले कौन है वहां के मुसलमान है वहां के लोग लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता मुस्लिम कार्यकर्ता है वो MIM के खिलाफ लड़ रहा है। आज एक ऐसा काम रेवंत रेड्डी जी के हाथ से हो गया कि वो काम को हम कंडम करते हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट हमारा लंबा प्रोटेस्ट होगा क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि रेवंत रेड्डी जी आप भाई भाई बोल के पीछे से जो दरवाजे खोले आपकी दोषी आप निभा दिए आप खुला मैदान कर दिए MIM के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कांग्रेस का कोई परचम उठा के बात करने वाला नहीं रहेगा तो आप कौन सा ओल्ड सिटी के अंदर आप चेंजेस लाएंगे। आपकी लड़ाई आप जो राहुल गांधी की लड़ाई थी वो लड़ाई को आपने खराब कर दिया। राहुल गांधी जी ने आकर कहा था कि ये ओल्ड सिटी के अंदर भी हम बराबर से लड़ेंगे और रेवंत रेड्डी जी वो लड़ाई को पूरी खत्म करा दी। अब ये क्यों कर दिए क्या कर दिए वो रेवंत रेड्डी जी को मालूम लेकिन ये फैसला गलत है। रेवंत रेड्डी जी को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। इसके लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा आज ये प्रोटेस्ट कम होगा कल ये ज्यादा होगा और मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ कल अगर रेवंत रेड्डी जी के लिए दम है तो गांधी भवन आ रहा हूँ आना और माइनॉरिटी मुसलमानों का दम देखना और माइनॉरिटी मुसलमानों को आके देखना कि क्या करते हैं उनका हाल। देखो अली मसकती साहब जो है टिकट चांदनर की सीट नहीं लड़ना चाह रहे उनको मस्का लगा रहे लड़ो लड़ो। रेवंत रेड्डी जी के अब्बा का है क्या कांग्रेस पार्टी जो इन्होंने बोल दिया मैं तुम्हारे को चारमीनार असेंबली भी दे दे रहा हूँ चलो अच्छी बात है दिए दो आप बोल दे रहे हैं हैदराबाद इंचार्ज दे रहा हूँ पार्लियामेंट इंचार्ज दे रहा हूँ। अली मसकती साहब तेलुगु देशम की पार्टी के इन्होंने भी तेलुगु देशम पार्टी के ये भी भाई बहन की बात में निभाओ। यहाँ पे जो काम करने वाला जमीन के स्थल पे है उसके वास्ते करना। अली मसकती भाई अभी हमारा भाई है लेकिन क्या है वसूल भी कोई बात है कांग्रेस का फ्लाई जोन से आ जाती फ्लाई जोन से कोई टिकट नहीं मिलता साहब। देखिए 56 जो सीट अगर डिक्लेयर हुए उसमें 3 मुसलमानों को दिए गया एक फ्लाई ओवर जोन का मुसलमान है हम बोल रहे हैं फ्लाई ओवर जोन के मुसलमान को ले देना। आप 56 सीट आज दिए डिक्लेरेशन में लाए 56 सीट है जिसके अंदर आप BC को टिकट कितने दिए हमारे पास पूरा डाटा है। हमारे को जो है 0% के लोगों से भी कम कर दिए उसके अंदर। इसका मतलब क्या है ये प्रोटेस्ट उसके लिए है कम से कम आज मुसलमानों को 6 सीट डिक्लेयर होना था और ये पूरे 119 सीटों में 14 सीट मुसलमानों को होना चाहिए। और अगर मुसलमान अगर इस बार अपनी आवाज को नहीं लगाएगा कांग्रेस का मुसलमान नहीं लगाएगा तो कहाँ लगाएगा। क्या हम जाके BRS का नहीं भीख मांगना हम जाके क्या MIM का नहीं तुलवे चाटना। ये तलवे उनका चाटते पार्टी बदलने का काम उन्हें का काम है हमारा काम नहीं है। हम कांग्रेस के लिए जी रहे कांग्रेस के लिए काम करेंगे कांग्रेस के लिए मरेंगे। ये माइनॉरिटी का प्रोटेस्ट है माइनॉरिटी का प्रोटेस्ट में हमारे प्रोटेस्ट में हम किसी को शामिल करेंगे नहीं। और अगर कोई आके ये कह रहा है कि हम लड़ना चाह रहे हैं तो हम आपके साथ साथ देना चाह रहे हैं तो सब मेरे भाई है। ये हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है और ये हिंदुस्तान में सबको साथ चलना है।
जो कैंडिडेट आप देना चाह रहे थे वो कैंडिडेट को जहाँ से वो जीत सकते थे वहां किस टिकट देना था, आप उनका भी मुस्तकबिल खराब कर दिए, उनकी भी मेहनत खराब कर दिए। भोया नरेश भी मेरा भाई है, राहुल भी मेरा भाई है, हम बोल रहे हैं वो जो बीसी का आप रिकॉर्ड बनाने के लिए जो टिकट दिए गए वो नाइंसाफी करे और बीसीओं के साथ भी नाइंसाफी करे, उनके टिकटों का सीटा बढ़ा दिए, खाली दम्मी सीटा देके। हम तो ये बात चेंज करा के रहेंगे और रेवंत रेड्डी जी से ये बात को जो है पूरी मनवा के रहेंगे, चाहे उन्हें कितने भी बड़े साथी रोंदो या उन्हें कितने भी बड़े दलाल रोंदो, उनकी दलाली भुला देंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, उनके घर का जगह नहीं है, जो घर में आए कर ले, तो हम उनको जवाब दे के रहेंगे। जय हिंद जय कांग्रेस।